नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश अभियान वसुधा वंदन, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल 9 अगस्त को सभी कार्यक्रम करे ही होंगे, पूरे जो हमने देखे क्या क्या घटक हैं, पूरे घटक के साथ हमने सारे कार्यक्रम करे, वृक्षारोपण कार्य किया, राष्ट्रगान किया, ध्वजारोहण किया, है ना, प्रतिज्ञा ली, और मिट्टी हाथ में लेकर भी प्रतिज्ञा ली, सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने कल करी। तो दोस्तों, अब उनका वीडियो अपलोड करना है, कल से आप करते ही आ रहे होंगे, मैंने पहले वीडियो बना ही दिया था, तो आज मैं लाइव भी दिखा रहा हूँ किस तरह से अपलोड करें। अच्छा, आज मैं और कुछ ऑप्शन भी जुड़ गए हैं इसमें, तो वो भी किस तरह से हम अपलोड करें वो भी देखेंगे ना, पौधों के नाम ये सब भी जुड़ गए हैं, तो वो कैसे ऐड करना हमें वो देखना है। और आम नागरिक भी अब ओपन पोर्टल के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे कुछ शेयर किया हुआ है इस अभियान के बारे में, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं और सीधे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, तो वो सब आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आपको जो है पोर्टल का नाम तो पता ही है, मेरी माटी मेरा देश .gov.in। अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें अपडेट हो गई हैं। तो जो 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश 9 to 15 अगस्त, माटी को नमन वीरों का वंदन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों समारोह देखें, प्रतिज्ञा लें, मीडिया अपलोड करें, लिंक साझा करें, आम नागरिक भी डायरेक्ट यहां से मीडिया अपलोड कर सकते हैं, लिंक साझा कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां आ जाएगा मेरी माटी मेरा देश को समर्पित कोई भी गतिविधि करते हुए अपनी छवि या वीडियो अपलोड करें। यह आम नागरिक भी कर सकते हैं और अधिकारी कर्मचारीगण भी। इसके लिए स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको हमारा राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला सेलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लॉक है ना, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक के बाद आपको आपकी पंचायत सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्या करना है, ऐड लिंक्स, है ना। तो आप यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने डाला है, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर या अदर, इंस्टाग्राम, किसी पर भी, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और फिर यहाँ पर जो उनका URL रहता है, ये जो URL रहता है ब्राउज़र के, उसमें जब आप प्ले करते हैं आपका वीडियो, तो वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना और जमा करें पर क्लिक करना। मैं एक ये लिंक आपको पेस्ट करके बता देता हूँ मेरी ही, तो मैंने यहाँ लिंक दे दी पूरी, है ना, YouTube की ही दे दी है, जो वीडियो बना है उसी की दे दी है, टाइप लिख दिया YouTube। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करना है। ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे कुछ क्षणों के इंतजार के बाद यहाँ लिखाने लगे लिंक एडेड सक्सेसफुली, कुछ क्षणों का इंतजार करें और ये आपका जो है ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपलोड हो गया है, इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं, आम नागरिक भी और अधिकारी कर्मचारीगण भी, ठीक है, क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते ही हैं। इसके बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है अपलोड मीडिया, इस पर क्लिक कर आप डायरेक्ट फाइल चुन सकते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से और उसको यहां अपलोड कर सकते हैं, फिर जमा करें पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, आप फाइल चूज़ कर लें और यहां फिर आ जाएगा अपलोड कर मॉडरेशन के लिए भेजा गया है, मतलब ये चेकिंग होती है पूरी वेबसाइट पर, उसके बाद जो है अपलोड होता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले तो ये सब सेलेक्ट करके फाइल चुने पर करना है, फिर अपलोड पर जमा करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो अपलोड होने लगेगा, कुछ क्षणों का इंतजार के पश्चात वो मॉडरेशन के लिए, मतलब पहले जो है पोर्टल पर पूरा देखा जाता है कि सही वीडियो है या नहीं, पोस्ट करने लायक है या नहीं, उसके बाद फिर पब्लिश कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये बाहर से ही कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लॉगिन कर ही बता रहा हूँ, जो आपने मोबाइल से लॉगिन करा था, तो मोबाइल से सीधे लॉगिन करना, OTP के माध्यम से लॉगिन करते हैं हम, फिर हमें यहाँ क्लिक करना होता है, जैसे मैंने लॉगिन कर लिया। अब आयोजक प्रोफाइल, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए पूरी जानकारी हमारी आ जाएगी, नेम, डिस्ट्रिक्ट, जिला, स्टेट, राज्य, ग्राम पंचायत, इवेंट डेट, तो इवेंट डेट कौन सी रहेगी, कल की डेट रहेगी 9 अगस्त, है ना, तो 9 पर क्लिक कर देंगे, कुछ क्षणों का इंतजार करना पड़ेगा हमें। ये देखिए इस तरह से आएगा डेट एडेड सक्सेसफुली, है ना, एकदम से नहीं आएगा, इस तरह थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये आएगा। पहले 8 लिखा रहेगा मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। इसके बाद दोस्तों हमको सारी चीज़ें अपलोड करना है वीरों की, इसमें शिला फलक की रचना करें और लगाएं, तो मीडिया अपलोड करें पर क्लिक कर दें यहाँ, और फाइल चुनकर जमा करें पर क्लिक करें। तो यहाँ मैं फाइल चुनता हूँ अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से, इसके बाद जमा करें पर क्लिक करूँगा, अपलोड हो रहा है, इस तरह से आएगा 100%। फिर वही अपलोड कर मॉडरेशन के लिए भेज दिया गया है, ये सब भेजा जाएगा कि सही वीडियो फोटोग्राफ्स वाले चेक होती हैं, उसके बाद जो है पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, हम वापस से बैक हो जाएंगे,
बिग के बाद हमने पहला ऑप्शन कर लिया। अब पौधे जोड़ें, ये नया ऑप्शन है दोस्तों, इसको भी ध्यान से करें। पौधे जोड़ें, तो पौधे जोड़ने पर क्लिक करें। इसमें पौधे जोड़े में हमको क्या करना है, सामान्य नाम लिखना और फिर वनस्पति विज्ञानी नाम भी लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने एक सीताफल का पौधा लगाया है, तो सीताफल पहले यहाँ लिखेंगे सामान्य नाम। तो दोस्तों पौधे जोड़े में मान लीजिए हम चलिए फलों के राजा ही ले लेते हैं आम, आम को यहाँ लिख देंगे वनस्पति वैज्ञानिक नाम। तो इसको फिर सर्च कर लेंगे गूगल सर्च में, आम का वनस्पति का नाम क्या होता है। तो सही उत्तर इसका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी के बाद इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस बार ने हमें वनस्पति वैज्ञानिक नाम भी याद हो जाएगा। ये होता है, एक साथ भी आप जोड़ सकते हैं ना, ऐसे पौधे जोड़े फिर क्लिक करेंगे तो एक और आप ऐसा पौधा जोड़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर जोड़ दें। तो दोस्तों मान लीजिए हम आंवला जोड़ते हैं यहाँ पर, है ना, आंवला जोड़ लेते हैं। अब ऐसे ही वनस्पति विज्ञान नाम हम आंवले का सर्च कर लें, तो आंवले का होता है एम्बलिका ओफिसिनेलिस, ठीक है। तो इसको भी कॉपी और पेस्ट कर लें, बहुत कठिन नाम रहते हैं दोस्तों, लेकिन इस बार हमें पता भी हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये हो गया। अब मान लीजिए दो हो गए, आपको इस तरह से कर सकते हैं, कुछ भूल रहे हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी मान लीजिए दो इकट्ठे ऐड करना है तो यहाँ से सीधे जमा करें पर क्लिक कर दें। ये जमा करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लांट डाटा एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तीन जो है ऐड कर दिए, पहले एक कर दिया फिर दो इकट्ठे कर दिए। इसके बाद अमृत वाटिका का निर्माण जो करना है, इस पर मीडिया अपलोड करें पर क्लिक करेंगे, फाइल चुनेंगे और जमा करें पर क्लिक करेंगे। ये सेलेक्ट कर ली मैंने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से, अब जमा करें पर क्लिक कर देंगे। अपलोड हो रहा है 100%, इधर आ गया अपलोड कर मॉडरेशन के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो ये पोर्टल भेज दिया गया है कि सही इमेज है या नहीं, उसके बाद पब्लिश होता है। फिर हम बैक हो जाएंगे, हमने तीन काम कर चुके हैं, शिला फलक वाला, पौधे जोड़ें, अमृत वाटिका का निर्माण करें, अब वीरों का वंदन करें, इसमें मीडिया अपलोड करें पर क्लिक करें, यहाँ भी फाइल अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड कर दिया, अब जमा करें पर क्लिक कर देंगे। अपलोड हो रहा है, इसके बाद अपलोड कर मॉडरेशन के लिए भेजा गया, ठीक है। इस तरह से ये कार्य भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिर से बेक होते हैं। अब है हाथ में मिट्टी या मिट्टी का दिया लेकर पंच प्रण की शपथ लें, तो इसमें शपथ लेने पर मीडिया अपलोड करते हैं और इसको फिर जमा करें पर क्लिक कर दें। अपलोड हो रहा है 100%, अपलोड कर मॉडरेशन के लिए भेजा गया, तो ये भी भेज दिया गया है सर्वर पर। अब हम फिर से बेक होते हैं, अब हमने ये भी कर लिया। अब आखिरी है झंडा वंदन करें और राष्ट्रगान गाएं, तो इसका मीडिया अपलोड करना है, तो चलिए हम इसका मीडिया अपलोड करते हैं। जैसे करेंगे तो इस तरह से आपको जैसे मीडिया, तो यहाँ फाइल चुने, फाइल चुनना है और इसके बाद जमा करें पर क्लिक करना है। तो अपलोड हो रहा है, इस तरह से आएगा, जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएगा, कभी कभी धीरे भी हो सकता है। और फिर वही अपलोड कर मॉडरेशन के लिए भेजा गया, तो ये पूरा वीडियो जो है पोर्टल पर भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से चेकिंग होती है सही वीडियो, कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये कार्य भी हमारा इस तरह सम्पन्न हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बिल्कुल लाइव दिखा दिया, पूरे जो ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस आपको लाइव दिखा दिए, किस तरह से हमें कार्य करना है, कैसे डेट में करना है, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। ओपन पोर्टल से भी दिखा दिया, होम पोर्टल से भी, किस तरह से हमें जो है आम नागरिक भी किस तरह से मीडिया अपलोड कर सकते हैं, लिंक साझा कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से कई सारी चीज़ें हमने देखी। प्रतिज्ञा यदि आपको देखना है तो यहाँ से प्रतिज्ञा जो है पूरे आप रिपोर्ट देख सकते हैं, सब कई सारी फ़ोटोज़ जो सभी लोगों ने, आम नागरिकों ने, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, नगर पंचायत, सभी नगरीय निकाय, सभी जैसे डली हैं, सब यहाँ पर दिख सकती हैं, ठीक है। आप अपनी फ़ोटोज़ घर आपसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो होम पर जाकर यदि आपको प्रतिज्ञा भी देखना है तो आप एक बार प्रतिज्ञा लेने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी प्रतिज्ञा आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रतिज्ञा जाएगी, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड से भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखेंगे, शिला फलक, वही शपथ के शब्द आपको, ठीक है, शपथ के सब, अभियान के नाम, टैगलाइन का अनुपात, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, लोगो, ये सभी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पूरी चीज़ें सीख ली, किस तरह से हमें पूरा कार्य करना है, इसमें लाइव दिखा दिया मैंने। इसी तरह और भी इस पर जो अपडेट आएगा, और अभी हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू होने जा रहा है 13 अगस्त से, तो उसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। तो दोस्तों इसी तरह हर जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप यदि कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो UPI के माध्यम से सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।